हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की वूल ली है, 9 नंबर सलाई ली है। आप इसको साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसको मैं सिर्फ एक फंदे से बताऊंगी आपको, और ये बिल्कुल डिजाइनर डोरमेट बन के कम्प्लीट होगा। आप डोरमेट की जगह यूज कर सकते हैं, थाल कवर की जगह यूज कर सकते हैं, या फिर पूजा का आसन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको स्लिप नॉट बनानी है, चाहे जैसे आप बना लीजिए। देखिए, मैंने ऐसे किया और इसमें से हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे और देखिए इसको ऐसे खींच देंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक ऐसे स्लिप नॉट बन गई। आप किसी भी तरीके से बना सकती हैं। अब देखिए, हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसको बुनेंगे ऐसे। ये देखिए, ऐसे घुमाया, ऐसे इसको बुन दिया। ये देखिए, 3 फंदे हो गए। इधर से पलट लेंगे, बनाना आपको दोनों तरफ से उल्टा ही उल्टा है। 4 हो गए मेरे पास। इस तरह से वापस पलट लिया, 5, 6, एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे हमने ये 7 फंदे तक इसको बना लिया। इसी तरह से हम 10 फंदे तक इसको बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 10 फंदे तक बना लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इसको पलट लेंगे और देखिए, यहाँ से हम सेकंड कलर ऐड करेंगे इसमें। तो हम ऐसे देखिए पकड़ के यहाँ से इस तरह से एक फंदा बढ़ाते हुए इसको बुनेंगे। ये देखिए, तो ये 2 हो गए और देखिए ये 3, चार, पांच। ये देखिए, 5 फंदे हो, एक बढ़ा लिया, 4 बुन लिए, 5 फंदे हो गए। अब देखिए, 5 मुझे इधर भी चाहिए और एक फंदा ये हम ऐसे ब्लू कलर से बनाएंगे। उसके बाद 5 फंदे हम इधर भी इस ऑरेंज कलर से ही बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं। और इधर इस साइड जो जैसा है उसको एक फंदा बढ़ाते हुए हम वैसे ही बुनेंगे। सीधे तरफ आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ कलर आपको जो जैसा है उसको वैसे ही बुनते जाना है। ये देखिए ऐसे। अब देखिए, यहाँ से हम सीधे साइड की रो आपको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ उल्टे साइड में फंदे आपको ऐड करने हैं, तो वो मैं आपको आप दिखाऊंगी। तो यहाँ से देखिए, एक फंदा हमने बढ़ा लिया, 2, 3, 4, 5, 5 ही फंदे बुनने हैं। एक फंदा हम ये ब्लू से बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, एक इधर से बना लेंगे, 3 हो गए मेरे पास सेंटर में। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, 5 इधर बचे। अब देखिए, यहाँ से हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे। ये देखिए, और देखिए जो जैसा है उसको हम लास्ट तक बुनेंगे। इधर की रो कंप्लीट करने के बाद अब हम पलट लेंगे। यहाँ से हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए, ये 2, 3, 4 और 5, 5 फंदे बना लिए। अब देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ से एक फंदा ये ऑरेंज वाला ब्लू बनाएंगे, 2, 3, 4 और एक इधर से बनाएंगे, 5, 5 फंदे सेंटर में आ गए मेरे पास ब्लू के। और देखिए, 2, 3, 4 और 5। ये देखिए ऐसे।
इस तरह से। अब इधर एक फंदा बढ़ाते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करें। ये देखिए इधर से रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए हम यहाँ से वापस एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे, 2, 3, 4 और 5। इसको हम ऐसे करेंगे यहाँ से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 इधर से बनाएंगे 7। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए इस तरह से पलट लेंगे। एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। और देखिए यहाँ पे ब्लू के 7 फंदे हो गए। यहाँ पे जब 11 फंदे हो जाएंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगी फंदा बराबर बढ़ेगा दोनों साइड, यहाँ पे एक एक फंदा दोनों तरफ से हम ब्लू करते जाएंगे। तो इतना कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये 11 फंदे ब्लू के कर लिए हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए हम पलट लेंगे और देखिए यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6 और देखिए हम 5 फंदे इसमें से ऑरेंज से बना लेंगे। 2, 3, 4 और 5। 5 बनाने के बाद वापस एक फंदा हम ब्लू बनाएंगे और इधर भी 5 फंदे हम इससे ऑरेंज कलर से बुन रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये फंदे भी हम ऑरेंज कलर से बुन लेंगे। अब यहाँ से हम देखिए इस तरह से जो जैसा है, इधर एक फंदा बढ़ाते हुए जो जैसा है उसको बनाएंगे। इधर की रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम यहाँ से वापस एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे बुने। इसको हम ऐसे करेंगे, एक फंदा हम ऑरेंज वाला बना लेंगे, एक जो सेंटर का जो ब्लू बना था वो एक इधर से। तो देखिए 3 फंदे हो गए हमारे पास। इधर के फंदे हम उल्टा ही बुनेंगे। ऐसे अब देखिए यहां से जो जैसा है फंदा बढ़ाते हुए हम बनाएंगे। और देखिए 3 फंदे हैं हमारे पास। इस तरह से हमें 11 फंदे करने हैं इसके, फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 11 फंदे तक हमने इसको बना लिया। ब्लू के 11 फंदे हो गए मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और देखिए दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते हुए गई हूँ मैं। अब हम थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम पलट लेंगे, इस रो को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ से हम एक फंदा पहले बढ़ा लेंगे। तो देखिए ये 2 हो गए, 3, 4, 5 5 फंदे बनाने के बाद अब देखिए हम यहाँ से एक फंदा ब्लू कलर से बनाएंगे। ये देखिए एक ब्लू से बना लिया, उसके बाद देखिए 1, तो इसको हम ऐसे कर देंगे ताकि ये धागा छोटा रहे। 2, 3, 4 और 5 5 बनाने के बाद देखिए जो ये ब्लू के बगल वाला फंदा है इसको हम ब्लू से बना लेंगे, ऑरेंज कलर का जो है। देखिए अब जो ब्लू वाले फंदे हैं इनमें से हम 5 फंदे ऑरेंज कलर से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए एक फंदा जो सेंटर का है ये हम ब्लू बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब इधर भी इसी को रिपीट करना है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 अब देखिए ये वाला फंदा, ये ब्लू के बगल वाला ऑरेंज जो है उसको हम ब्लू से बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5 बनाने के बाद एक ब्लू बनाएंगे, उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ से हम पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक फंदा बढ़ाते हुए जो जैसा है उसको हम वैसे ही इस रो में
ऐसे देखिए बना लेंगे। ये देखिए इसको हमें क्रॉस कराते हुए ऐसे एक ब्लू बनाना है और बाकी फंदे ऑरेंज बनाने हैं। तो हम रो कंप्लीट करते हैं लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से इतनी कली इस साइड को जाएगी और इधर की इतनी कली इस साइड को जाएगी। सेंटर में इस तरह से दोनों तरफ से हम फंदा बढ़ाएंगे तो इधर से हम ये वाला ब्लू करेंगे सिर्फ और एक इधर से, तो दो ये ब्लू हो जाएंगे, दो ये ब्लू हो जाएंगे और इस साइड से इधर वाला। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। फंदा हमें बराबर बढ़ाते रहना है अभी। तो यहाँ से हमने बढ़ा लिया, ये तीन चार और पाँच। ये देखिए अब इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ से देखिए ये वाला फंदा कर लिया, उसके बाद ये कर लिया। अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ऐसे, उसके बाद एक दो तीन चार। अब देखिए सेंटर में हम दोनों तरफ से एक एक ब्लू करेंगे, इधर इस साइड वाला और इधर इस साइड वाला। ये देखिए एक दो तीन, यहाँ पे हमने दोनों तरफ से कर लिया। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार, और देखिए एक ये और एक इधर से, देखिए दो। उसके बाद एक दो तीन चार। अब हम इसको यहाँ से ऐसे एक और दो इस तरह से, यहाँ पे एक दो तीन और चार। ये देखिए अब यहाँ पे हम ये देखिए ये वाला फंदा ब्लू से बना लेंगे, इधर भी हम जब जाएंगे तो ये वाला बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और इसको हम ऐसे बुन लेंगे। और देखिए ये फंदे हमारे यहाँ पे चार ही रहेंगे, एक एक करके अब ये कम होते जाएंगे, ब्लू से बढ़ते जाएंगे। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा लूज करके, बैक साइड ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो हम ये रो अब ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, जो जैसा है उसको हम लास्ट तक बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब हम पलट लेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी हम ये चार फंदे छोड़ के ऐसे एक फंदा यहाँ से बढ़ाते हुए हम इसको बुनेंगे। ये देखिए अब देखिए यहाँ से एक दो और तीन, तीन फंदे हम ऑरेंज के बुनेंगे और एक इधर से ऐसे बना लिया और दो और तीन। उसके बाद देखिए तीन ऑरेंज, एक दो तीन ऐसे। ये देखिए इस तरह से, देखिए अब यहाँ पे एक दो तीन। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ से एक एक फंदा ऑरेंज वाला ब्लू बनाएंगे सेंटर में। ये देखिए तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास पांच फंदे हो गए। उसके बाद हम एक दो तीन, अब यहाँ पे एक दो और देखिए तीन। इस साइड में भी हम ऐसे ही बुनेंगे, एक दो तीन, एक दो और एक इधर से, ये तीन, तीन ऑरेंज, एक दो तीन और यहाँ पे एक और दो, दो ब्लू। अब देखिए इस साइड में एक फंदा बढ़ाते हुए हम ये रो पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए इसी तरीके से हम इस साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए, और देखिए ये वाली डिजाइन जो है इधर से हम एक एक फंदा करते जाएंगे ब्लू का, ऑरेंज वाला एक एक कम होते जाएंगे ऑरेंज के, और इधर हम ये सेंटर में दोनों तरफ से ये 11 हो जाएंगे और ये वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब मैं आपको दिखाऊंगी तो इतना मैं बना लेती हूँ। तरीका सेम है, यहाँ पे दोनों तरफ से करना है और इस साइड में एक एक ये फंदा करते जाना है, इधर उधर बढ़ाते जाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे
ये 11 फंदे ये ब्लू वाले हो गए और ये वाले सारे फंदे खत्म हो गए। ऑरेंज के हमने इस रो में सब खत्म कर दिए। तो इस तरह से ये डिजाइन आ गई है बनके, और देखिए ये हाफ डोरमेट्स बनके कंप्लीट हो गया। अभी हम देखिए इधर से फंदा बढ़ा रहे थे, अब हम यहाँ से फंदा घटाएंगे और तरीका सेम रहेगा बनाने का। तो देखिए जैसे हमने ये बनाया है ऐसे ही हम आगे इसको बनाएंगे। यहाँ पे दो का एक कर देंगे, तो देखिए एक दो तीन चार। अब हम एक फंदा ये ऑरेंज से बना लेंगे, ये वाला देखिए ऐसे, और देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच। पांच बनाने के बाद एक, ये देखिए एक हम ऑरेंज बनाएंगे ये वाला। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, अब एक ऑरेंज, ये देखिए जो हमने यहाँ पे ये बनाए थे इसी तरीके से, यहाँ पे ब्लू के बनाए थे, अब यहाँ पे ये एक ऑरेंज हो गया। तो ये इस तरह से, अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हमने ये ब्लू बना लिए। दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, एक ये देखिए ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनाने के बाद एक ऑरेंज, और देखिए एक दो तीन चार पाँच ऐसे, एक दो तीन चार, और देखिए यहाँ पे ऐसे दो का। आप इस साइड से भी इनको बनाने के बाद ऐसे भी इधर से भी घटा सकती हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे। ये देखिए यहाँ से दो का एक कर सकते हैं, ऐसे तरीका सेम है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो जैसा है उसको हम बना लेते हैं। ये देखिए इधर से हम एक एक फंदा घटाएंगे, और देखिए इधर से अब हम इस साइड वाला ऑरेंज करते जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम दोनों तरफ से ऑरेंज करेंगे। इस तरह से इसको बनाते हुए जाना है। तो अब हम इतना ऐसे ही बनाएंगे, तो इधर हम आपको और दिखाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने दो का एक किया, उसके बाद देखिए दो तीन, और यहाँ से देखिए एक, और एक इधर से ऑरेंज बना, दो तीन चार पाँच, अब यहाँ से एक, और एक इसमें से दो, अब यहाँ से एक दो तीन चार, यहाँ से देखिए एक। अब इधर से हमें दोनों तरफ से एक एक ऑरेंज करना है, तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब यहाँ से एक हम अंदर के साइड ये इधर कर देंगे और एक इधर, अब यहाँ से एक दो तीन चार, ये देखिए एक ही कर दिया, एक ये बुन लिया। अब यहाँ से एक दो तीन चार, यहाँ से ऐसे, ये देखिए इसके बाद यहाँ से एक दो तीन, और देखिए दो का एक करेंगे ये चार, यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए इस तरह से, देखिए इधर को हम एक एक फंदा करते हुए इधर दोनों साइड से करेंगे, और इस साइड से एक एक फंदा, इधर का इस साइड कली आएगी इधर का इस साइड जाएगी। तो इतना हम कर लेते हैं, ये सारे फंदे इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे दोनों तरफ से, इधर से ऐसे आ जाएंगे ऑरेंज के आ जाएंगे जब हम दिखाएंगे आप। ये देखिए यहाँ पे हमने एक फंदे तक इसको ऐसे बना लिया है। अब देखिए यहाँ से ये वाली डिजाइन डलेगी, तो ये वाली डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो यहाँ से देखिए हम दो का एक करते जाएंगे, ये देखिए
कर दिया, उसके बाद हम देखिए ये दो इसको हम साथ में ले जाएंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये देखिए और ये बारह। यहाँ तक हमने देखिए फंदे बुने। अब देखिए यहाँ से हम ये ग्यारह फंदे कर लेंगे ब्लू से। तो देखिए यहाँ से ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये देखिए। अब यहाँ से हम ऑरेंज कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, और ये दो का एक कर देंगे तो बारह फंदे हमारे इधर थे, फंदे बराबर ही रहेंगे। देखिए इस तरह से ये डिजाइन आएगी। अब ये रो हम पूरी करते हैं, ये देखिए इधर से हमने रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम दोनों तरफ से एक एक फंदा ऑरेंज का करते हुए जाएंगे, लास्ट एक फंदे तक इसको हम करेंगे। तो हम थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम दो का एक करेंगे, उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, और देखिए एक बारह। एक ब्लू वाला हमने ऑरेंज कर लिया। अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और देखिए ग्यारह में से एक इधर से कर लिया, और यहाँ से ऐसे ही बुनेंगे। अब देखिए इनको हम ऐसे ही करते हुए लास्ट एक फंदा इसका ऑरेंज का रह जाएगा, दोनों तरफ एक एक फंदा घटाएंगे और दोनों तरफ से ब्लू वाला ऑरेंज करते जाएंगे, तो एक ब्लू का रह जाएगा जब हम आपको आगे का दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको भी घटा लिया एक फंदे तक। अब हम फिर से पांच फंदे इधर से लेंगे, पांच फंदे इधर से लेंगे। यहाँ पे हम पहले दो का एक करेंगे, उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बुने। यहाँ से देखिए फिर से हम ग्यारह फंदे ब्लू कर लेंगे। इस धागे को हम ऐसे एक बार कर देंगे ताकि यहाँ पे बड़ा नहीं रहेगा। ये देखिए चार और पाँच छः, पाँच हम इधर से लेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनाने के बाद टोटल हमारे पास ग्यारह ब्लू हो गए। ये देखिए यहाँ पे दो का एक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम फिर से वापस इस तरह से एक एक फंदा ऑरेंज का करते हुए लास्ट एक फंदे तक जाएंगे। तो देखिए ये दूसरी डिजाइन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक आएंगे। जैसे कि यहाँ से एक ये डल गई है ये वाली, अब ये वाली आएगी। तो यहाँ से दोनों तरफ से एक एक फंदा कम करेंगे हम, तो ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखिए फिर हम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इस डिजाइन को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये वाली डिजाइन हमने 11 फंदे से स्टार्ट की थी ब्लू की, तो यहाँ पे भी 11 फंदे ही होने चाहिए आपके, फंदे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास देखिए दो दो चार दो छः, और दो दो चार दो छः, एक फंदा इधर घट जाएगा एक इधर घट जाएगा, तो हमारे पास 11 फंदे बचेंगे। अब देखिए हम इन सभी फंदों को ऐसे देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच इधर से ब्लू कर लिए और एक ये, और देखिए एक दो तीन चार, और देखिए इधर से ये पाँच। अब देखिए मेरे पास ये फंदे रह गए। तो अब हम यहाँ से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए सेम इस तरह से इसको बना के कंप्लीट करेंगे, और देखिए बिल्कुल अलग तरीके का ये डोरमेट बन के कम्प्लीट हो गया। ये देखिए दोनों तरफ से घटाते हुए लास्ट तीन फंदे तक हम पहुँच गए हैं, और इस तरह से ये बन के कम्प्लीट हो गया। अब देखिए इन तीन फंदों को हम इधर से उल्टा बना लेंगे ऐसे, और देखिए लास्ट में हम तीन का एक कर देंगे ऐसे, ये देखिए। और इस बुल को हम कट करके
इसी में से ऐसे निकाल देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे ये ऐसे नॉट लग जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से आप चाहें तो बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, या दरी या फिर बेडशीट भी बना सकते हैं, चार चार इस तरह से बना के, और आप जोड़ सकते हैं, सिल के आप बना सकते हैं, जितनी लंबी चौड़ी आपको ये जो चीज़ बनानी है उसके हिसाब से आप बना लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।